क्रैनबेरीज उन कुछ फ्रूट्स में से है जिसे नॉर्थ अमेरिका का नेटिव कहा जाता है. नेटिव इंडियंस इसका इस्तेमाल फूड और मेडिसिन के लिए करते थे. क्रैनबेरीज को यहाँ का सख्त मौसम अच्छा सूट करता है. ये लो टेम्परेचर में थ्राइव करती है और एसिडिक सॉइल में मौजूद रेयर न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेती है. क्रैनबेरीज सितंबर के आखिरी दिनों में तोड़ने लायक तैयार होती हैं. इनके तोड़ते वक्त फार्मर्स अपने खेतों को पानी से भर देते हैं जिससे क्रैनबेरीज पानी के सतह पर ही तैरती रहती हैं. फिर बीटर नाम की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. ये नीचे के पानी में हलचल पैदा करती है जिससे बेरीज अपनी स्टेम से टूटकर ऊपर आ जाती हैं. बीटर को मोबाइल ब्रिज से लटकाया जाता है जो कंप्यूटर गाइडेड होता है जिससे ये पूरे खेत में सिस्टमैटिकली काम करता है. बीटर एक बार में 23 फुट चौड़े खेत की पट्टी को कवर करता है. वर्कर्स ऊपर आई क्रैनबेरीज को खेत के एक कोने में ले जाते हैं. यहाँ एक पंप इन्हें ट्रक में ट्रांसफर करता है. ट्रांसफर के दौरान ही बेरीज की शुरुआती सफाई हो जाती है और छोटी मोटी लकड़ियां और पत्तियां हटा दी जाती हैं. फैक्ट्री में ट्रक से सारी बेरीज उतार ली जाती हैं. यहाँ क्रैनबेरीज को वाटर कैनाल से होते हुए कन्वेयर बेल्ट पर लाया जाता है. फिर क्लीनिंग स्टेशन से गुजारा जाता है जहाँ वर्कर्स ब्रशेस और वाटर जेट्स के जरिए बची हुई पत्तियों और लकड़ियों को बाहर निकाल लेते हैं. फिर क्रैनबेरीज को कई बड़े बड़े बिन्स में रखा जाता है और कई महीनों तक फ्रीज किया जाता है. क्रैनबेरी जूस प्रोड्यूस करने के लिए फ्रोजन बेरीज को हॉट वाटर में डिफ्रॉस्ट किया जाता है. फिर इसकी स्किन्स बीज सबको मसल कर प्यूरी में बदल दिया जाता है. पेक्टिन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए इसमें स्पेशल एंजाइम्स मिलाए जाते हैं जिससे प्यूरी कम विस्कस होती है. ये प्रेस एक बार में 9 टन प्यूरी प्रोसेस करती है जो एलिफेंट के वजन का लगभग 1.5 गुना होता है. इसका पूरा जूस निकालने के लिए इसे 3 से 4 प्रेसिंग साइकिल से गुजारना पड़ता है. फिर जूस को एक सोफिस्टिकेटेड फिल्ट्रेशन सिस्टम से गुजारा जाता है. 216 फिल्टर्स इसमें मौजूद किसी भी प्लांट पार्टिकल या बैक्टीरिया को हटा देते हैं जो 1 माइक्रोन से बड़े होते हैं. 1 माइक्रोन का मतलब 1 इंच का 25,000वां हिस्सा. फिर पानी को तब तक इवेपोरेट किया जाता है जब तक कि जूस 10 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट न हो जाए. जिन क्रैनबेरी से जूस नहीं निकाला जाता उन्हें ग्रेडिंग प्रोसेस के दौरान अलग कर दिया जाता है. छोटी बेरीज को एक बड़े सिफ्टर में बने होल से नीचे गिरा दिया जाता है. बड़ी क्रैनबेरीज को ग्रेडिंग टेबल पर लाया जाता है जहां वर्कर्स किसी भी छोटी या खराब क्रैनबेरी को निकाल देते हैं. फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सॉर्टर कलर के हिसाब से बची हुई क्रैनबेरीज को स्कैन करता है जिससे एक एयरगन को सिग्नल भेजा जाता है जो खराब बेरीज को प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकाल देता है. बाकी क्रैनबेरीज को पैकेजिंग डिपार्टमेंट या दूसरी लाइन में भेज दिया जाता है जहां ये सुखाई जाती हैं. सुखाई जाने वाली क्रैनबेरीज को ऑटोमेटिकली बीज निकालकर उन्हें बीज से काटने के बाद प्रेस किया जाता है. फिर शुगर और पानी के सॉल्यूशन में डुबोकर रखा जाता है जिससे ये मीठी हो जाएं. कन्वेयर बेल्ट के साइड टू साइड मोशन से बेरीज बराबर चारों तरफ फैल जाती हैं और एक साथ सूखती हैं. हॉट एयर ड्रायर के जरिए इनका तापमान 30 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है. लगभग 3 घंटे बाद बाहर निकली हुई क्रैनबेरीज ऐसी दिखती हैं. क्रैनबेरी टी पीते समय ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रैनबेरी पोटेशियम और विटामिन ए और सी का काफी अच्छा सोर्स है और क्रैनबेरी जूस पीने से आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं.